आर्यन खान ने पूछा एनसीबी ऑफिशियल से कि क्या उन्हें इस तरह गिरफ्तार करना जरूरी था। आर्यन के पापा सुपरस्टार शाहरुख खान ने भावुक होकर एनसीबी ऑफिशियल से कहा कि उनकी बेवजह बदनामी हो गई। पिछले साल अक्टूबर में सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने अरेस्ट किया था ऑन द चार्जेस ऑफ पोजेसिंग बैन सब्सटेंसेस। एनसीबी ने आर्यन पे काफी गंभीर आरोप लगाए थे और ये भी अलेज करने की कोशिश की थी कि आर्यन इंटरनेशनल कार्टेल्स के साथ एसोसिएटेड है। Though Aryan didn't possess any banned substances at the time of his arrest, he was kept in jail for almost a month before being released on bail. The star kid has kept a low profile ever since his arrest and is supposedly focusing on his career. लेकिन अब एक एनसीबी ऑफिशियल ने रिवील की है कुछ बातें जो आर्यन खान ने अपने अरेस्ट के दौरान कहा था। संजय सिंह, जिन्होंने इस केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को हेड किया, has told a news portal about his interaction with Aryan after his arrest. Mr. Singh ने अपने इंटरव्यू में कहा कि आर्यन had asked him why he was being treated like an international trafficker of banned substances. आर्यन ने रिपोर्टेडली पूछा, aren't these charges absurd? And also told Mr. Singh कि उनके पास कोई banned substances नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें अरेस्ट किया गया। आर्यन also allegedly asked Mr. Singh कि अगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे तो क्या उन्हें इतने दिनों तक जेल में रखना सही था। शाहरुख खान's son had made an emotional plea saying, sir, you have done me great wrong and ruined my reputation. लेकिन सिर्फ आर्यन ही नहीं, एसआरके भी अपने बेटे के अरेस्ट से बहुत दुखी थे। द सुपरस्टार रिपोर्टेडली टोल्ड मिस्टर सिंह ड्यूरिंग हिज इंटरेक्शन विद हिम कि इस केस की वजह से उनकी पूरी फैमिली को बदनाम किया जा रहा है। शाहरुख खान अलेजेडली टोल्ड मिस्टर सिंह दैट हिज फैमिली वाज बीइंग पेंटेड एज सम काइंड ऑफ बिग क्रिमिनल्स और मॉन्स्टर्स हु आर आउट टू डिस्ट्रॉय सोसाइटी। शाहरुख खान रिपोर्टेडली रात को आर्यन को हौसला देने आए थे क्योंकि वो जेल में सो नहीं पा रहे थे। Thankfully, the whole incident and the very problematic investigation into the case is now behind the family. Aryan is working hard towards fulfilling his dreams of being a director. Here's hoping कि आगे चल के ऐसे serious आरोप सोच समझ के लगाए जाएंगे ताकि किसी की जिंदगी मुश्किल में ना पड़ जाए। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।